मॉर्निंग। तो आज है संडे और संडे का मेरा ब्रेकफास्ट से लेकर पूरा दिन कैसा रहेगा वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो संडे को सुबह सुबह आज मैंने मंदिर को अच्छे से घस के धोया है और बर्तनों को भी पीताम्बरी से नाइसली क्लीन कर लिया है, क्योंकि पीताम्बरी से धो लो ना तो बर्तन एकदम चमक जाते हैं और फिर और भी अच्छा लगता है ना। तो हफ्ता भर इतना मुझे समय तो नहीं मिल पाता, पर हफ्ते में एक दिन जब मुझे अच्छे से चकाचक करना होता है तो वो संडे बेस्ट रहता है मेरे लिए। तो बज रहे हैं 12:30 और लंच की प्रिपरेशन आज कुछ ऐसी है कि मैं आज बना रही हूँ डोसा। और डोसा अभी मैंने बहुत अच्छे से बनाना सीख लिया है। और उसी के साथ मैं बता दूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पहले मैं ब्रेकफास्ट में इडली बनाती थी, है ना, पर अब जब से राज ने ब्रेकफास्ट में फल खाने चालू कर दिए हैं तो मैंने सोचा कि जो बैटर आया है इडली डोसा का उसे क्यों ना मैं लंच में बनाऊँ। और अम्मा के लिए तो सुबह सत्तू का पराठा बनाया ही था, तो लंच के लिए मुझे इडली डोसा परफेक्ट लगा। वैसे राज की आदतों की वजह से मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मेरा टमी जो है काफ़ी अंदर चला गया है, पहले थोड़ा सा निकला हुआ था। ये मेरा नॉर्मल टमी है, नॉर्मल टमी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी एकदम फ्लैट हो गया है, थोड़ा टमी फैट है अभी भी, बट जो थोड़ा सा ऐसे आगे निकलता था ना लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन, वैसा नहीं है। सो ये थोड़ा सा मुझे हेल्प कर रहा है ये चीज़। और सुबह सुबह सारे पौधों को भी पानी वगैरह डाल दिया है। तो चलिए किचन चलते हैं और अपना ये जो संडे लंच का रूटीन है उसे कंप्लीट करते हैं। तो जैसे मैंने सोचा था कि मैं डोसा बनाऊंगी और आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, तो लगभग आधा एक घंटा हो गया, वो प्लान ऑलरेडी चेंज हो गया। राज ने बोला कि डोसा मैं बनाऊँगा। तुम प्लेन डोसा बना रही थी और मैं जो है मसाला डोसा बनाना चाहता हूँ। तो अभी बन रहा है मसाला डोसा। उस समय में जो एक घंटा का समय था उसमें आलू वगैरह उबाले हैं और बाकी तैयारी वगैरह थोड़ी बहुत की है, बाकी राज कर रहे हैं। तो अब जब मेरे से ड्यूटी छीनी ली गई है डोसे की, तो मैं अपना नारियल की चटनी बना देती। तो नारियल देखिए यहाँ पर बारीक कट गया है। अब जब चटनी बना रही हूँ तो दिखाई देती हूँ आपको, क्योंकि ड्यूटी जब छीन लिए तो आपको दिखाऊँ भी क्या। बताओ, आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी लकी हूँ जो संडे को मेरे हस्बैंड किचन में घुसकर यम्मी फूड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। आई नो आप सही बोल रहे हो, पर मुझे डोसा बनाना था, क्योंकि डोसा बनाना भी प्रॉपर वाला अच्छा वाला वो मैं सीख चुकी हूँ। एंड ऑल थैंक्स टू राज सिंह, ट्रू 101% ट्रू। और किस चीज़ की अनाउंसमेंट हो रही है? पल्स पोलियो बोल रहा है, पल्स पोलियो बोलते हैं ना। कुछ तो अनाउंसमेंट हो रही है, समझा ही नहीं। ऐसा होता है एक जगह रुक कर बोलना चाहिए ना, ऐसे जाते जाते बोलेंगे तो हमको कैसे समझ में आएगा। धनिया, अच्छा ये कड़ी पत्ता भी आपने बारीक काट दिया है, मिर्ची भी। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या राज ने काटा है। ये देखिए प्याज बारीक, मिर्ची, कड़ी पत्ता, आलू उबला हुआ बारीक चॉप। तो राज बताएंगे अपनी रेसिपी, तब तक मैं आपको चटनी बताती हूँ। तो तेल गरम हो गया, उसमें राज ने डाल दिया है चना दाल और उड़द दाल। काली राई नहीं होनी चाहिए, जैसे पीली राई। फिर थोड़ी सी एक्टिंग करनी है शेफ बनने की, कढ़ाई हिला हिलाकर जैसे कि अभी मिस्टर राज ने। इसमें कड़ी पत्ता और मिर्ची डालेंगे, ऑनियन। जैसे पोहा के लिए हल्का फ्राई करते हैं ना, ऐसे फ्राई करेंगे। प्याज को ना हल्का फ्राई करेंगे, पूरा ब्राउन नहीं करेंगे, जैसे पोहा के लिए करते हैं ना हल्का। तेल अगर कम लगे तो थोड़ा सा तेल डाल देंगे। हल्दी आधा चम्मच, नमक, नमक आपका स्वाद अनुसार होगा। बॉयल डालो, थोड़ा सा पानी दो। थोड़ा सा लाल मिर्च, खटाई भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल सकते हैं, चाहिए तो हल्का सा 1/4 चम्मच। ओवरऑल आपको जैसे इसे बनाना बना सकते हैं, पर नहीं भी डालेंगे तो इतने नहीं बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस नमक का ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है ना कि डोसा का बैटर जो होता है ऑलरेडी हल्का खट्टा होता है। तो अब इसको मैश करेंगे। ये मिक्सर के बर्तन में ले लिया है नारियल के छोटे छोटे टुकड़े। पीछे अम्मा की आवाज़, फ़ोन पर बात कर रही है इतने ज़ोर ज़ोर से। दही, नमक, एक हरी मिर्ची, और इन सबको अभी हम लोग पीस लेंगे। पीसी हुई चटनी को निकाल लिया मैंने यहाँ पर, और अब मैं इसे तड़का लगाऊंगी। ये तड़का पैन में मैंने डाल दिया है तेल। इसमें गई राई, चने की दाल, उड़द की दाल बिना छिलके वाली, और कड़ी पत्ता, और इस नारियल की चटनी में डाल दिया इसका तड़का। यहाँ पर मिक्स कर लिया है इस चटनी को। हाँ जी हाँ, डोसा बन गया। और यहाँ पर रिव्यू करने के लिए अम्मा आ चुकी है। अम्मा बोली मैं ऐसे ही डोसा बनाती थी। इडली, इडली दूसरे तरह बनती है। देखो कैसे डोसा बनता है, दिखाई आओ सबको दिखाया जाएगा, अम्मा को, सारे व्यूअर्स को। तेज तवा था ना, गरम हो गया। अब गैस धीमा कर लेने का, इस पर पानी छिड़कने का। इसके बाद एक कपड़े से इसे साफ कर लेना, ठीक है। उसके बाद गैस धीमा रहेगा। हाँ, गैस धीमा रहेगा। उसके बाद एक कलछुल और आधा कलछुल, और इसको बीच से एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। ऐसा डोसा हम बनाए ना, हल्के हाथ से या नाव पे इतना पतला डोसा। अब आँच को तेज कर देने का। अब थोड़ा सा ये जब ऊपर से पक जाएगा तो इस पर तेल डालेंगे, 1 से 2 चम्मच। और इसका जो ये वाला हिस्सा है, जब तक रेड नहीं हो जाएगा ना तब तक आलू नहीं रखेंगे। इसको देखेंगे, जब तक रेड ना हो जाए तब तक आलू नहीं रखेंगे। अभी ये रेड हो गया ना, देखो ये वाला हिस्सा। अब इस पर हम आलू रखेंगे हल्का सा, ऐसे लंबे से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक चमचे से पलट देंगे। ये डोसा बनके तैयार। आओ डोसा खाओ। अब इसमें डालो चटनी, चाहिए सांभर तो सांभर भी डाल दो। सांभर, सांभर को सांभर। इतना यमी खाने के बाद एक्चुअली नींद आ रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छा बना था मसाला डोसा और नारियल की चटनी। पर मुझे तैयार होना है, क्योंकि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद होंगी, थोड़ा काम और ख़त्म करूँगी। मैं मॉमी लैंड जाऊँगी। बहुत दिनों के बाद आई थिंक मैं मॉमी लैंड जा रही हूँ। मुझे याद भी नहीं है, बताना मैं लास्ट टाइम कब गई थी, नहीं याद ही नहीं आ रहा है। आई थिंक मम्मी जाने वाली थी तब। यस आई थिंक सो। अम्मा की आवाज़। अम्मा हैदराबाद की नारियल की चटनी की याद वो दिला रही है। और ये लोहे की अलमारी जितना आवाज़ क्यों करती? जब ये ख़रीदा था ना तो बिल्कुल आवाज़ नहीं करती थी, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा था। एंड आफ्टर डैट ये बहुत आवाज़ करने लगी। तो सिलेक्ट कर रही हूँ साड़ी की कौन सी पहनूँगी आज मैं। आ गई मम्मी के घर पर, मेरा बैगन की मम्मी के घर। आ जाओ चुकी हूँ यहाँ पर। मैंने ये पिंक साड़ी पहनी है और हमारी पिया कैसी लग रही बताना और पिया की सास वो कैसी लग रही है वो भी बताना तो इस तरह से हम लोग तैयार हुए हल्दी कुमकुम के लिए। और ये अभी मैंने दिखाया हल्दी कुमकुम की प्लेट बस मेरी मम्मी ये चाहती कि मेरी बहू सबसे अच्छी दिखे। अच्छा नहीं वो मेरी मम्मी शादी में भी वही कर रही थी, बेटा तुम्हारी बीनी जरूर दिखे। मैं हेयर स्टाइल करवा कर आई थी, फिर भी मम्मी बोली नहीं गजरा लगाने का है। मम्मी का पेटेंट है, मम्मी बिना गजरे के कोई त्योहार नहीं मनाती है। और इस तरह बेबी लाके देती है, बेबी नाही होत ना तर सरळ अंगठ्याचा यूज कर। अंगठा बेस्ट आहे। ते लाव, आता हे लाव बस एक वाली बघ अभी आजकल नया आया है तिळगुळ घ्या आणि पाठीच्या मागे गोल गोल बोला सही आहे काय नाही लड़का आया प्रैक्टिस एक दूसरे के पैर पड़ रहे रेशमा बोल रहा है आराम से आराम से अभी आई थी कैसा ठीक हो बस बच्चे बड़े हो गए आप उधर के उधर ही रहे। तो मैं जा रही थी घर, पिया ने बोला कि पोटली टेस्ट करो, मैंने बोला ठीक है। मास्टर शेफ की एक्टिंग कर रही है ना कर थोड़ा सा डाल लेना समझ में नहीं आया क्या डाला है मास्टर शेफ वाली कर सकते हैं ऐसे एक्टिंग अपने से नहीं होगी भाई। तुम्हें खाता नहीं तुम्हें खा बहुत सामने रखा उसमें क्या बेबी अच्छा बना बहुत तीखा है थोड़ा सा। व्हाइट राइस खाओ वाला अरे भाई व्हाइट राइस खा लो। अरे इसने इतना मीठा खाया है मैडम ने मजा आ गया। नहीं मेरे को जाने का इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। अब खाओ पानी आ रहा होगा वैसे हम लोग ऐसे एंजॉय दिख रहा था। नहीं बेटी ठंडी बात ना अनिका यहाँ पर आकर अपनी जिद अच्छे से मनवा लेती है, उसको पता है यहाँ पर जिद पूरी होती है। घर आने का मन बिल्कुल नहीं था, बहुत मज़ा आ रही थी हल्दी कुमकुम में। और ये जो होता है ना इसे बोला जाता है हल्दी कुमकुम जिन्हें नहीं पता। और इसमें सुहागन औरतों को फूल दिया जाता है और एक कुछ ऐसी चीज़ दी जाती है जो वो यूज़ कर पाए। कोई स्टील का बर्तन देता है या कोई कुछ भी मतलब कुछ भी दे सकते हैं, श्रृंगार का सामान कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे करने की। और सारी लेडीज़ जमा होती है फिर हल्दी कुमकुम जिसके घर में किया जाता है वो फिर सबको दिए देते हैं। हंसी मजाक बहुत होता है। इन शॉर्ट सारी औरतें जब एक साथ मिलती हैं तो बहुत अच्छे से तैयार होकर भी आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी का यहाँ पर बहुत अच्छा वाला मतलब एक ग्रुप है, मम्मी का बहुत बड़ा ग्रुप है क्योंकि मम्मी और मतलब मेरी पूरी फैमिली को यहाँ पर रहते हुए काफ़ी साल हो गए हैं तो इतने लोग तो पहचान के हो ही जाते हैं ना। तो इतना मज़ा आ रहा था और कितनी सारी आंटी से मैं मिली, सब बोल रहे थे किरण है ना सबके बच्चे, मेरी जो फ्रेंड्स बचपन वाली वो सारी बड़ी हो गई और बड़ी मतलब मैं बड़ी होगी तो वो भी हो जाएंगे, उनके भी बच्चे हुए हैं। और सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड मैं भूल गई थी कि मैं ब्लॉग भी कर रही हूँ, इतना मज़ा आ रहा था। पर इस समय अम्मा का डिनर रूटीन है ये तो इसलिए मुझे टाइम पर घर पर आना था, मैंने बोला और मैं ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगी। सब लोग बड़ा रोक रहे थे पर अम्मा का रूटीन था तो मुझे टाइम पर आना पड़ा। इंटीमेट एरिया को वॉश करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एवरेटीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश। ये इंटीमेट एरिया को काफ़ी क्लीन रखेगा, फ्रेश रखेगा पूरे दिन। ये 100% नेचुरल एक्टिव्स के साथ आता है। ये सोप SLS और SLES फ्री है और ये एक्स्ट्रा माइल्ड है जिसकी वजह से हर स्किन टाइप इसे इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए अगर आप चाहे तो इसे रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी इंटीमेट वाली परेशानी है जैसे ईचिंग है या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है इंटीमेट जगह पर, तो इसे आप रेगुलरली इस्तेमाल करें। ये सारी परेशानी आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपका जो हाइजीन है इंटीमेट एरिया का वो मेंटेन रहेगा। इसकी परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह धूप लेना और धूपों के बीच में, धूप के बीच में इन फूलों के साथ बैठना बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारे प्यारे फूल और ट्रैफिक, यहाँ पर ट्रैफिक से ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ जो यहाँ पर आती है ना, पीपा पूपू पापा, वो चालू हो जाता है, सुबह सुबह ही चालू हो जाता है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि दी आप कैसे रह लेते हो, बट अभी यूज टू हो गई हूँ मैं इस शोर के साथ रहने में। और जैसे खिड़की बंद कर दो तो ये सारा जो नॉइज़ है वो भी कट डाउन हो जाता है, सो इतना कोई दिक्कत तो नहीं होता है, बट अभी आदत हो गई है। पहले जब हम आए थे 1-2 दिन हमें बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत, पर देन यूज टू हो जाता है यार, हर एक चीज़ से आदमी यूज टू हो जाता है, बस एक बार आदत लगाने की बारी होती है। वैसे मैं बता दूं, इस मई में हमें इस घर में भी 2 साल होने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हम लोग इसे खाली कर दें, मोस्ट प्रोबेबली, नॉट श्योर, बट लग रहा है कि हम खाली कर देंगे क्योंकि बस तो 2 साल होने वाले हैं, देखते हैं, मतलब लग रहा है 90% लग रहा है कि खाली कर देंगे, बाकी 10% हो सकता है कि नहीं भी करें। कुछ लाइफ के डिसीजंस है जो लेने हैं, समझ में आ नहीं रहे हैं क्योंकि इतना आसान नहीं होता है यार, हर एक चीज़ सोचो और कर लो, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है, स्लोली स्लोली वो जो चीज़ें होती है ना इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है कि समझ नहीं आता, तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, बड़ी नींद आ रही है क्योंकि मौसम ऐसा है ना, हल्का हल्का ठंड वाला, तो नींद बहुत आती है इस मौसम में, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर मैं अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। अगले ब्लॉग में मैं आपको मेरा गोल्ड कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। आजकल मैंने देखा है कि ये टॉपिक बड़ा ही ट्रेंड पर चल रहा है, गोल्ड कलेक्शन वाला, तो आई विल शो यू गाइज माई गोल्ड कलेक्शन। तो तब तक के लिए तैयार रहिए और आपकी चीज़ें बताइए मेरे साथ। अम्मा सो रही है अभी तक, वैसे मैंने बोला ना मौसम हल्का हल्का ठंडा ठंडा है, तो ओढ़ कर मस्त सो रही है। वैसे इस समय 9 बज रहे, मैं बता दूँ। चलिए फिर, बाय, टेक केयर।